नमस्कार जी, राम राम दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल हंसराज सारण जी के में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि अपने राजस्थान की लोक देवियों के क्रम में आगे बढ़ते हुए आज अध्ययन करने जा रहे हैं वो रानी सती का। जिस किसी को वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना। रानी सती कौन थी? रानी सती कहाँ था इनका मंदिर? रानी सती का मूल नाम था नारायणी बाई। क्या नाम था जी? नारायणी बाई रानी सती का मूल नाम है। इनके पति का नाम था तन धन दास, और तन धन दास जो थे वो तन धन दास कहते हैं हिसार के नवाब से लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं, और इसी कारण नारायणी बाई अपने पति के साथ व अन्य 13 महिलाओं सहित क्या हो जाती है? सती हो गई थी। क्या हो गई थी? सती हो गई थी नारायणी बाई। और ये भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा सती मंदिर है। सबसे बड़ा सती मंदिर है जो है कहाँ पर? तो हम बता देंगे, झुंझुनू। राजस्थान नहीं, भारत नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा सती का मंदिर कहाँ है? तो कह सकते हैं झुंझुनू में है रानी सती का मंदिर, जो नारायणी बाई अपने पति तन धन दास के साथ उनकी शहीद होने के बाद सती हो गई थी अन्य 13 महिलाओं के साथ, सहयोग से या उनके साथ। रानी सती है। हालांकि भारत में भी दूसरा बड़ा मंदिर है, वो भी खेमी सती का मंदिर है। कौन सी का? खेमी सती का। और खेमी सती का जो मंदिर है वो खेमी सती का मंदिर भी कहां पर है? तो हम बता सकते हैं झुंझुनू में। खेमी सती का मंदिर भी झुंझुनू में है, ठीक है जी। अब एक मजे की बात और, एक है सत्तो दादो, यानी एकमात्र पुरुष जो सता हुआ था तो उन्हें कहा गया सत्तो दादो, क्योंकि रानी सती को क्या कहा जाता है? दादी जी। क्या कहें जी? दादी जी। तो पुरुष जो सत्ता हुआ उसे कहते हैं सत्तो दादो, और सत्तो दादो जी एकमात्र राजस्थान के पुरुष जो सत्ता हुए हैं, यानी जिस प्रकार महिला सती होती है उसी प्रकार पुरुष जो वो उसको क्या कहते हैं? सत्ता। और सत्तो दादो का जो दादा है उस सत्तो दादा का मंदिर भी कहाँ है? तो बता सकते हैं ओजटू। और ओजटू कहाँ है? झुंझुनू में, ठीक है जी, झुंझुनू में। तो सती का नाम आए तो याद रखना झुंझुनू, और दूसरी बड़ी सती का खेमी सती का नाम आए तो झुंझुनू, और सत्तो दादो का नाम आए तो ओजटू, वो भी झुंझुनू। अब देखो, जो रानी सती है ये है अग्रवाल समाज की कुल देवी। किस समाज की? अग्रवाल समाज की कुल देवी कौन है? रानी सती या दादी जी, नारायणी बाई, ठीक है। और ये रानी सती हैं, इनकी आराधना में भाद्रपद महीने की जो अमावस्या थी उस भाद्रपद अमावस्या के दौरान यहाँ पर लगता था मेला, लगता था बड़ी ही जो विशाल मेले का आयोजन होता था, परंतु वर्तमान में ये मेला नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? बात है 1987 दीवराला का कांड। दीवराला, जो दीवराला सिकर का क्षेत्र जहां पर रूप कंवर सती हुई थी, और ये भारत की अंतिम सती है रूप कंवर, उसके बाद तो पूर्णतया प्रतिबंध लग जाता है, कोई भी सती नहीं होती। हालांकि सती प्रथा पर प्रतिबंध सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने लगाया था विलियम बेंटिंग से, सहयोग से। ये दीवराला सिकर की रूप कंवर अंतिम सती है। इसके बाद में इस जो रानी सती का जो मेला लगता था, एक बड़े मेले का आयोजन होता था, इस पर रोक लगा दी। वर्तमान में मेला जैसा कोई आयोजन नहीं होता है, नॉर्मल सी पूजा जरूर होती है भाद्रपद अमावस्या को इस रानी सती। तो ये थी एक देवी रानी सती। रानी सती जिनको दादी जी कहते हैं, मूल नाम नारायणी बाई था, पति तन धन दास थे, उसके बाद में पति इनके शहीद हो जाते हैं हिसार के नवाब से लड़ते हुए, इस
इसलिए ये अपने पति के साथ अन्य 13 महिलाओं सहित सती हो गई थी। भारत का नहीं विश्व का सबसे बड़ा सती का मंदिर है, कहाँ तो बता देंगे झुंझुनू में। तो दूसरा बड़ा मंदिर खेमी सती का मंदिर है, ये कौन सी है? रानी सती, खेमी सती, वो भी कहाँ है? झुंझुनू में। सतो दादो है जी, सतो दादो जी का भी मंदिर कहाँ है? ओजटू, झुंझुनू में। और यदि बात करें इनका जो एक मेले का आयोजन भाद्रपद अमावस्या को विशाल विस्तृत मेला लगता था, वर्तमान में नहीं लगता है। 1987 दीवराला गांव की घटना, रूप कंवर सती हो गई थी, उसके बाद में ये मेला वगैरह बंद है। किसका? रानी सती के, जो भाद्रपद अमावस्या को लगता है। अब देखो रानी सती का मूल नाम क्या था? नारायणी बाई। अब यहां बंदा बड़ा कंफ्यूज होगा क्योंकि ये नारायणी बाई रानी सती है, हालांकि एक अन्य देवी भी है, वो देवी है नारायणी देवी। कौन सी? नारायणी देवी। तो अपन साथ ही यदि नारायणी देवी को पढ़ लेंगे, जिस नारायणी देवी का नाम था करमेती, के नाम था जी करमेती। नारायणी देवी जो किस समाज से थी? तो कह सकते हैं नाई या सेन, इसलिए नारायणी देवी नाई समाज व सेन समाज की कुल देवी है। नारायणी माता किस समाज की कुल देवी है? सेन समाज या नाई समाज की कुल देवी। इनका जो मंदिर है नारायणी देवी का, वो मंदिर है जी राजगढ़ में। राजगढ़ कौन से में? चूरू वाले में? ना जी, तो अलवर वाले में। अलवर राजगढ़ में नारायणी देवी का मंदिर है, जो नारायणी देवी का मूल नाम करमेती था, उस रानी सती का मूल नाम नारायणी बाई था, और ये नाई व सायन समाज की कुल देवी है। जो नारायणी है, इनके जो पुजारी है ना, वो पुजारी मीणा है। कौन है जी? इसकी जो पूजा करते हैं वर्तमान में मीणा करते हैं, पहले भी मीणा करते थे, है किन की? नाइयों की पूजा करते हैं मीणा, इसलिए नाई समाज व मीणाओं में ये मामला विवादास्पद है। कोर्ट में इसका सिस्टम चल रहा है कि हम नाई करें पूजा। नाइयों की मांग ये है कि हमारी देवी तो पूजा हम करेंगे, मीणा कह रहे हैं भैया हम पुरखों के टाइम से करते आ रहे हैं तो हम करेंगे। इसलिए किस देवी को पूजा को लेकर जो विवादास्पद मामला चल रहा है, तो कह सकते हैं नारायणी देवी की पूजा को लेकर विवादास्पद है। किस किन में? मीणाओं में व नाइयों में। धन्यवाद दोस्तों, अपन ने अब तक जो आज लोक देवियां देखी है, दो ही हैं, जिनमें एक तो है रानी सती। रानी सती के साथ हमने खेमी सती को भी देखा था, जो दूसरी बड़ी, उसके साथ सत्तो दादो को भी देखा था ओजटू में, उसके बाद में हमने नारायणी देवी जिनका नाम था करमेती। जिस किसी को वीडियो अच्छा लगे, लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना जी। धन्यवाद।